हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू महीस किचन। इनकी नम्बर रेस्टोरेंट स्टाइल मिंट चटनी एप्डी से पाकलवा। पुदीना चटनी पड़क रे स्पून एण्तर कड़ उपून करवपिल और चंगम और मूणु चंगम तोल उड़ वचर और तुंड इंजी तोल कट पनी क्लीन पनी एड़त्त विच्चिरुक्कें। कोंजमा पुली एड़त्तुक्कलाम। और कैपिडी अलवु पुदीना वंदु और टू टाइम्स तन्नील वाश पनी एड़त्त विच्चिरुक्कें। नल्ला फ्रेशान लीफ एड़त्तुक्कोंगे। काल कप तुरुण तेंगा एड़त्तिरुक्कें। पोट्टुकल्ल रेंडु स्पून एड़त्तुक्कलाम। पच्चे मिளகாய் மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கலாம். மிக்ஸி ஜார்ல கால் கப் தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தேங்காவோட 2 ஸ்பூன் பொட்டுக்கல ஆட் பண்ணிக்கலாம். மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் மிக்ஸி ஜார்ல போட்டு வச்சுக்கலாம். மத்ததெல்லாம் வதக்கிட்டு இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். சட்னிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். मतदा वदक नम्बर आड पड़ी अरेचिक्ल स्टव आन पड़े स्टव और पेन वचिक्ल पेन हीट आन और स्पून एण ऊतिक वंगय सेतुकल इंगय आड पड़ा अड़प स्लो फ्लेम वंगयम पड़ें हई फ्लेम वेट वतक वाणा पूंड मूणु पल पू सेक और तुंड इंजी सेतुकल एला वतक विटर रोम वतंगण देवटा वतंगना पुलि सेतुकल अत नम्ब क्लीन पड़ी वचर पुदीना लीफ आड पड़ी के இந்த புதினா வந்து கொஞ்ச நேரம் மட்டும் வேக விட்டீங்கனா போதும். எண்ணெயில வதக்கினா போதும். பாருங்க இந்த அளவுக்கு வதங்கி இருக்கணும். ரொம்ப கருகருன்னு வதக்கிர கூடாது. டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது. அந்த கிரீன் கலர் வந்து மாறாம அந்த இலையில நல்லா சுருங்கி ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கி இருக்கணும். அவ்வளவுதாங்க. இப்போ நம்ம வதக்கியாச்சு. இத வந்து நம்ம மிக்ஸி ஜார்ல போட்டுர்க்க தேங்காய் பொட்டுக்கல்ல பச்சை மிளகாயோட அரைச்சுக்கலாம். மிக்ஸி ஜார்ல போட்டு நம்ம நைஸா நல்லா அரைச்சு எடுத்தாச்சு. நம்ம மிக்ஸி ஜார்ல போட்டுருந்த பொட்டுக்கல்ல தேங்காய் पच मिगोड़ नम्बर वदक अरे ना वो वे बल्कि ट्रांसफर पड़े तली कोटिकारें नम्बर चट्नी सूपर रेडी मिंट चट्नी रेस्टारेंट स्टैल सूपरान पुदीना चट्नी रेडी आीटे मरकाम से सापटेटे कमेंट पाइक पेर पड़ूंग कैनल को सब्सक्राइब पड़ूंग। ओके फ्रेंड्स, बाय। नेक्स्ट वीडियो पाकल।